भारत ने फिलहाल जो 2036 ओलंपिक्स है उसके लिए बिडिंग कर दी है, और इसका मेजर जो मकसद है दैट इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इमेज। वर्ल्ड कप, दूसरी क्रिकेट और तीसरी आती है जी समर ओलंपिक्स। तो समर ओलंपिक्स की बात की जाए तो इंडिया इज बाइडिंग टुवर्ड्स 2036 ओलंपिक्स। मतलब कि इंडिया जो है वो चाह रहा है कि 2036 की जो ओलंपिक्स है वो इंडिया होस्ट करे। गेम्स हो रहे होते हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो कैंपेन्स चल रही होती हैं, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, डिग्निटरीज आ रही होती हैं, इससे बहुत ज्यादा बिजनेस आता है। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। उन लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे से जो है स्ट्रॉन्ग करना है और ये सारी चीजें, ठीक है। काफी सारी लागत जो है वो आ सकती है जिसकी एक्सपेक्टेड है 25 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। 25 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। खेलों में पाकिस्तान से बाजी ले गया, स्पोर्ट्स में इंडिया ने फिर बाजी ले लिया पाकिस्तान से। इंडिया ओलंपिक्स ओलंपिक्स इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है। इंडिया खुद ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट करने जा रहा है। मतलब कितनी प्राउड की बात है। लेकिन चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके अलावा मेरे ख्याल इंडिया ही वाहिद कंट्री है जो ये कर सकता है। आज पाकिस्तान इंडिया के हीरो चाहता है, इंडिया जैसे इकोनॉमिस्ट चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पा के ओलंपिक्स में हमारी जो एशिया की टीमें हैं वो मर मरा के उधर जाती हैं, कोई गोल्ड जीता है, कोई कुछ जीता है, लेकिन इंडिया हमेशा अच्छा करती है ओलंपिक्स में। अभी एशियन गेम्स में भी इंडिया ने अच्छा किया है, तो इंडिया अभी ओलंपिक्स जो है वो होस्ट करेगी। पीएम मोदी, इंडिया के जो है वो पीएम मोदी, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि वो 2036 में जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करेंगे। और ऑब्वियसली सबको पता है कि रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ये बिड जीत जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2024 की जो ओलंपिक्स है वो खेली जाएगी पेरिस में, फिर लॉस एंजलिस में खेली जाएगी, और 2032 की जो है वो खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 2036 है वो खेली जाएगी इंडिया में। और इसके साथ अगर कोई बिड करेगा उसमें जो है वो मलेशिया आ जाते हैं, पोलैंड आ जाते हैं। और देखें, बात यह है कि मलेशिया और पोलैंड की बात ठीक है, ऑब्वियसली जब सामने इतना रिचेस्ट कंट्री खड़ा होगा वो बिड लगाएगा। और मलेशिया और पोलैंड, भाई इंडिया चाहे ना तो मलेशिया और पोलैंड को खरीद सकता है। इंडिया अगर चाहे तो मलेशिया और पोलैंड को खरीद सकता है, तो ये इंडिया के सामने बिड क्या लगाएंगे ओलंपिक्स की, क्या बिड लगाएंगे? मतलब ये जितनी बिड एक बारी में लगाएंगे ना, इंडिया अपनी बारी में उससे 10 गुना ज्यादा लगा देगा, फिर ये जितनी लगाएंगे फिर इंडिया उससे 1000 गुना ज्यादा लगा देगा, तो ये उधर से आउट हो जाएंगे। तो ये पक्की बात है कि 2036 की जो ओलंपिक्स है वो इंडिया होस्ट करेगा। और अहमदाबाद का जो है वो नाम दिया गया है कि अहमदाबाद में जो है वो 2036 की ओलंपिक्स होस्ट किए जाएंगे। देखें, ये बड़ी प्राउड की बात है, ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। इससे पहले जो ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स है या जो भी चीजें होती है, ये होस्ट करता है चाइना करता है या ऑस्ट्रेलिया कर लो, इन जैसे मुल्क करते हैं। अब हमारी एशियन टीमें तो खेलने जाती हैं, और कोई हम पाकिस्तानी तो एशियन गेम में भी भाई 3 मेडल हमने लिए हैं, उसमें भी एक कोई 2 ब्रॉन्ज के थे और एक कोई सिल्वर का था। इंडिया ने 107 मेडल लिए हैं, 107 मेडल, अंदर कोई 28 गोल्ड थे, फिर सिल्वर थे, फिर ब्रॉन्ज के मेडल थे। मतलब आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो है वो अचीवमेंट हासिल किया। मैं वैसे दोस्तों, मैं जब से ओलंपिक्स देख रहा हूँ ना, मेरा ख्याल आई थिंक ईयर 2000, मुझे थोड़ी सी विजिबल मेमोरी है। आई वॉज अ स्कूल किड एंड आई यूज टू रीड डॉन न्यूज़पेपर, वहां पे एक आता था यंग वर्ल्ड, बच्चों का वो एक होता था। तो मैं वहां से जो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स थी आई थिंक 2000 में, मैंने वहाँ से बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया और मुझे जनरल नॉलेज का शौक था। तो दैट्स वेयर आई जस्ट मेरे जहन में पॉइंट आया, दैट्स वेयर आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये क्या करते हैं, ये ओलंपिक्स क्या होते हैं। आई वॉज आई थिंक मैं उस वक्त कोई 5, 6 ग्रेड, 7 ग्रेड का कहीं स्टूडेंट हूँगा। बहरहाल, अब इंडिया जो है इज गोइंग टू होस्ट समर ओलंपिक्स इन 2036। नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की थी पहले, बट आई थॉट कि ये मजाक है, कोई वो करेंगे नहीं, ठीक है, जरा क्योंकि वो इलेक्शन से पहले की चीज़ थी, तो इलेक्शन से पहले आपको पता है
लीडरशिप बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे दावे कर देती है, बट मुझे ऐसे लगता है कि ही दे आर इंटरेस्टेड इन दिस। वो कहते हैं कि जी हम दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कराना चाहते हैं, जिससे हमारा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाना चाहते हैं, हमारे पास स्पोर्ट फैसिलिटीज भी मौजूद है। जारी बात है उन्होंने 2036 की बात इसलिए की है कि 12 साल में वो अपना जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमरीका के अंदर जो ओलंपिक्स हो रही हैं, आई थिंक उसमें अगर आप देखें तो ओलंपिक्स में जो अमेरिका के अंदर ओलंपिक्स हो रही है, ट्रस्ट मी, मतलब उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम खुद हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया दैट इज टू मच। ठीक है जी, अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसने लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जमा करा दिया है कि वो फ्यूचर होस्ट जो कमीशन है जो पोटेंशियल होस्ट का फैसला करता है उसको। ठीक है जी, अब इंडिया कहता है जी हम ये समर गेम्स कराना चाहते हैं, और ये एक उन्होंने उनकी जो जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये पैगाम भी जारी किया, और वो कहते हैं जी हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ रबते में हैं कि इंडिया हमें ये देगा। और इंडिया क्या कहता है, वो कहता है जी कि हमारे बड़े ट्रैक हैं, हमारी फील्ड एथलीट, हम जो है वो जिसे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी इंगेज मौजूद हैं, सो हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी, सो अब क्वेश्चन ये है कि विद इन इंडिया क्या इतना बड़ा ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है जी, अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुई थी इंडिया ने 6 मेडल जीते, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज एंड आई थिंक नो गोल्ड। पाकिस्तान ने एक ही जीता आई थिंक, शायद गोल्ड जीता। इंडिया ने 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, इट मीन्स कि इंडिया नीचे लेवल पर बहुत काम कर रहा है। उनकी जो ओलंपिक्स टीम है या कमेटी है, हमारा तो पता छक्का लगता है, वो जो लड़का क्या नाम है उसका जो जिसने वो जैवलिन थ्रो में जीता, तो वो कहता है जी कि मेरे पास तो वो जैवलिन ही कोई नहीं थी, वो तो पता नहीं कहीं से इधर उधर से मांग मूंग के हमें जैवलिन ली, जब उधर उधर से मांग मूंग के। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों भारत ने 2 दिन पहले 2036 में होने वाली ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए देश की इच्छा व्यक्त करने से संबोधित आशय यंत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को सौंप दिया है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने यह एक पत्र 1 अक्टूबर को IOC को सौंपा था। IOC ने इसका स्वागत किया और इस कोशिश को PM मोदी का विजन माना जा रहा है। लेकिन मेजबानी हासिल करने से पहले भारत को सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, चिली और टर्की जैसे देशों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की ग्रोथ जिस तरह से बढ़ रही है और इस पे अंबानी ने भी बताया है कि वह इसमें काफी योगदान करने वाले हैं। दोस्तों भारत ने अपने विजन को काफी बड़ा बना कर रखा है और इसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है।